नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। नए संसद भवन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कल यानी 28 मई को इसका उद्घाटन होना है और उद्घाटन को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है क्योंकि राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल राजनीतिक दलों को नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन विपक्ष ने कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है। वो लगातार इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इन सब के बीच अब दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि नए संसद भवन के बाहर दीवारों पर एंटी सरकार और एंटी PM स्लोगन लिखे जा सकते हैं। इस इनपुट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन के आसपास दिल्ली पुलिस का स्टाफ तैनात किया गया है। करीब 70 पुलिसकर्मियों के स्टाफ को सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही ACP रैंक के अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से गर्व का पल मानते हुए जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। इन विपक्षी दलों का कहना है कि ये लोकतांत्रिक नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन न कराकर उनके पद का अपमान किया जा रहा है। इसी विरोध को लेकर BSP की मुखिया मायावती ने कहा है कि नए संसद का किसी भी तरह से विरोध नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें, उद्घाटन कार्यक्रम में कई VVIP, VIP और अन्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है, इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी किए हैं। पुलिस ने लोगों को ज़रूरत नहीं होने पर नई दिल्ली इलाके से बचने की सलाह भी दी है। हालांकि नई दिल्ली में ट्रैफिक चलता रहेगा। संसद भवन के उद्घाटन के चलते सुबह 5:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक कुछ मार्ग प्रभावित रहेंगे या फिर ट्रैफिक भारी रहेगा। इसके साथ ही नई दिल्ली जिले के इलाके को नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा। केवल सार्वजनिक परिवहन वाहनों, सिविल सेवा के उम्मीदवारों, वास्तविक निवासियों, लेबल वाले वाहनों और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली जिले से जाने की अनुमति होगी। समारोह में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी .com।